आप ये बता सकते हैं कि ये जो मच्छरदानियाँ हैं या यहाँ जो एक गद्दे हैं, इनका प्रबंध किन की ओर से किया गया है? इनका प्रबंध पहलवानों की तरफ से किया गया है। पहलवानों जो कमेटी है वह खर्चा करिए और उसको जो मदद करने वाले हैं किसान भाई वो करें। राम राम हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं। देखिए जो समय है वो मेरे फ़ोन में है 8:49, यानी कि 9 बजने वाले हैं। और इस वक्त यहां पहलवान किस तरह से इस समय रहते हैं या धरना किस तरह से जारी रहता है वो तस्वीरें आप लोगों तक हम पहुँचा रहे हैं। तो देखिए जैसे कि अब हम यहाँ दिन भर जो है किसान संगठनों से जुड़े लोग या खापों से जुड़े लोगों को यहाँ पर अलग अलग संबोधन देते सुनते हैं, लोगों से अलग अलग तरह की अपील या फिर संदेश देते हुए सुनते हैं, पहलवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हम यहाँ पे सुनते हैं। तो इस वक्त यहाँ गद्दे बिछा दिए जाते हैं, साफ सफाई कर ली जाती है, जो यहाँ पर शाम के समय रुकते हैं उनके लिए यहाँ पर मच्छरदानी लगा दी जाती है। चेतना थोड़ा सा आगे जाके विजुअल दिखाएं जहाँ पर ये मच्छरदानी लगी हुई है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मच्छरदानियाँ लगी हुई हैं। अब एक तरह ये आप देख सकते हैं पहलवान किस तरह से रहते हैं। जैसे कि जब बारिश आई थी तो तब का ये आपने एक दृश्य देखा होगा कि जब पहलवान ये कहते नज़र आ रहे थे कि फोल्डिंग जो हैं उनकी ओर से हालांकि मंगवाए नहीं गए थे, लेकिन जब फोल्डिंग आए तो पहलवानों का ये कहना था कि गद्दे गीले थे तो वो अपनी जो रात है वो ठीक से गुजार लेंगे सोकर। लेकिन अब जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बारिश का मौसम तो नहीं है और हो भी नहीं रहा है, तो व्यवस्थाएँ कुछ इस तरह की हैं कि यहाँ पहलवानों की ओर से जो गद्दे हैं वो लगाए गए हैं, मच्छरदानी यहाँ पर लगाई गई हैं। किसी से हम बातचीत करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस वक्त जो तमाम लोग हैं वो थक जाते हैं, दिन भर लगातार लोगों से बातचीत रहती है, दिन भर इतनी गहमा गहमी रहती है, अलग अलग कमेटी आती है, अलग अलग गाँव से अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं जो कि यहाँ पर अपना स्पीच जारी रखते हैं। आप ये बता सकते हैं कि ये जो मच्छरदानियाँ हैं या यहाँ जो एक गद्दे हैं, इनका प्रबंध किन की ओर से किया गया है? इनका प्रबंध पहलवानों की तरफ से किया गया है। पहलवानों जो कमेटी है वह खर्चा करिए और उसको जो मदद करने वाले हैं किसान भाई वो करिए। अच्छा, तो यहाँ इस तरह से रुकना ये भी बड़ा नया सा होगा, किसान आंदोलन के बाद हम इस तरह की तस्वीर देख रहे हैं कोई? तो यहाँ हमारी बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए जो हमारे तिरंगे की शान है उस शान को बचाने के लिए लोग यहाँ जुटे हुए हैं। और सरकार से और हमारा कोर्ट से अनुरोध है कि इनका नार्को टेस्ट कराया जाए